हे दालोवीज, हाउ आर यू ऑल गाइज। आज हम बात करने वाले हैं मैरिज मंत्रा। बहुत पावरफुल मंत्रा है और ये सिर्फ मैरिज के केसेस के लिए बहुत जल्दी काम करता है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन नहीं मान रहा है, एंड जो भी कहते हैं ना, बीच में ब्लॉकेज आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, उन वजह से हमारी मैरिज नहीं हो पा रही है, तो आप इस रिचुअल को रोज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। और जो लोग मैरिज एंजल नंबर यूज़ कर रहे हैं, मैरिज मेडिटेशन यूज़ कर रहे हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। और आप इसे अपनी किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब आ जाते हैं पॉइंट पे और अब जानते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई चीज शुरू करते हो तो आपको एक क्लियर इंटेंशन डालना पड़ता है। अब यहां पे आपका इंटेंशन क्या होगा कि आपको मैरिज मैनिफेस्टेशन करना है। यह मंत्रा लॉर्ड गणेशा का है, तो आपको लॉर्ड गणेशा से, गणपति पप्पा से बोलना है कि प्लीज मेरी मैरिज करा दीजिए सो एंड सो पर्सन उनके साथ। और आप इस मंत्र की रोज 40 दिन तक इसको जपेंगे, इसकी चैंटिंग करेंगे। ये चीज़ आपको लॉर्ड गणेशा को बोलना है फर्स्ट डे। जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डे आपको ये लॉर्ड गणेशा को बोलना है। इस मंत्र को आपको डेली करना है 40 डेज तक, मतलब 40 दिनों तक आपको इसको रेगुलरिटी के साथ करना है। और इसको करना छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं इन द सेंस कि 15 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, या 10 दिन कर लिया फिर छोड़ना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। 40 दिन मतलब 40 दिन, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जब हम मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, 40 दिन देती हैं चीज़ें बदलने में, तो आपको 40 डेज तक इसे रोज करना है। पॉइंट नंबर टू, अगर आप मैरिज का एंजल नंबर कर रहे हैं, मैरिज मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी आप इसको कर सकते हो। एक टाइम स्लॉट कर लो कि मुझे रोज़ इतने बजे ही करना है, क्योंकि यार एक बार जब हम चीज़ों को एक रेगुलरिटी में करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत 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 अलग होते हैं। तो अपना एक टाइम सोच लीजिए। आप रात को कर सकते हैं, आप सुबह कर सकते हैं, आप दिन में कर सकते हैं, जिस टाइम आप बेस्ट फील करते हैं आप उसी टाइम पर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बीच में पीरियड्स आ जाए तो क्या करना है। इनकेस आपके 15 डेज हो गए या 20 डेज हो गए और बीच में अगर आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप पीरियड्स के कम से कम 4-5 डेज बिल्कुल काउंट मत करना, इसको बिल्कुल भी मत करना, और आप इसको पीरियड्स के बाद रेगुलरिटी से करना स्टार्ट कर देना। अगर आप मैरिज कोर्ट भी करना चाहते हैं इसके साथ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कोई दूसरे मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं फिर भी आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके इंटेंशंस एकदम प्योर होने चाहिए, एकदम सटीक होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम यूनिवर्स में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करते हैं, अगर हम चीज़ों को लेके जितना क्लियर होते हैं ना, चीज़ें उतनी जल्दी मैजिकल इफेक्ट्स दिखाने लग जाती हैं। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दैट इज इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर रखो। अब बात करते हैं कौन सा मंत्र है। तो ये मंत्र है ओम गणेश कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा। ओम गणेश कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा, आप इसको चैंट कर सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं ओम गणेश कुरु कुरु स्वाहा, ओम गणेश कुरु कुरु स्वाहा। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आपको इसको डेली करना है 40 डेज तक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखने की है, अगर आप इसके साथ अगर अभी आपने मैरिज कोट करना स्टार्ट नहीं करा है, तो आप मेरा वो भी कर सकते हैं, साथ में ये मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। बहुत मैजिकल मंत्र है। अब मैं उन लोग के लिए बता रही हूँ जो ये तीनों चीज़ रेगुलरिटी में करना चाहते हैं 40 दिन के लिए। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंटली अपनी चीज़ों को क्लियर रखना सीखो कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब करना है। बहुत सारे लोग 5 दिन करते हैं, 10 दिन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। प्लीज़ चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट मत करो। अगर आपने उसको करना स्टार्ट करा है तो उसको रोज़ करो, वरना करो ही मत, बस उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो। ओके तो अगर आप ये दोनों तीनों चीज़ें करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप सुबह मॉर्निंग में उठोगे और आप सबसे पहले मैरिज कोड लिखोगे। उस नंबर को आपको डेली लिखना है। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, आपको इस नंबर जब आप ये लिख लोगे, अगर आप पूजा करते हो घर पे रोज़ डेली बेसिस पे, तो आप वहाँ बैठ के भी कर सकते हो, या जब आप मैरिज कोड लिखोगे उसके साथ भी आप इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। ये आपका सुबह का रिचुअल हो जाएगा। शाम को फिर जब आप इस मैरिज कोड को लिखोगे तब आप नॉर्मली लिखना, और जो लोग सुबह मंत्र की चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, अपने लिए शाम को करना चाहते हैं, वो इस मंत्र की शाम को चैंटिंग करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है। रात को सोने से पहले मेरा मैरिज मेडिटेशन आपको डेली बेसिस पे सुनना है,
हो गया, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 40 दिन इस रेगुलरिटी में इस चीज़ को करिए, ये बहुत ब्यूटिफुली तरीके से काम करेगी और आपको रिजल्ट्स दिखाएगी। पेशेंस रखना ज़रूरी है, सेल्फ लव करते रहो, खुद से प्यार करो, रोना धोना नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लाना है। इनकेस नेगेटिविटी आ रही है, पता नहीं बस आए जा रही है, नहीं लाना है फिर भी आए जा रही है, उसके लिए आप नॉर्मली अफर्मेशंस बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स मेरी और उस इंसान का नाम, जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन है, थैंक यू यूनिवर्स हम दोनों की मैरिज हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स हम दोनों की मैरिज हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डू ट्राई दिस रिचुअल। और अब आ रहा है हमारा न्यू मून डे और इसके वीडियोज़ बिल्कुल लाइन से होने वाले हैं। अफर्मेशन बताने वाली हूँ, रिचुअल कैसे करना है बताने वाली हूँ, और नेक्स्ट आपको इसका मेडिटेशन भी मैं शेयर करूँ, तो उसको करना बिल्कुल भी ना बोलें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे कॉल कंसल्टेशंस पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, बहुत सारे डीएम से धीरे धीरे करके रिप्लाई कर रही हूँ, सो प्लीज इस चीज को समझो। ओके, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, राधे राधे।